तो गाइस देख सकते हैं हमें नए घर की चाबी मिल गई है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस देख सकते हैं अभी बज रहे हैं घर के 12:30 और मुझे कंपनी विजय सेल्स से फ़ोन आया था कि अभी हम लोग के प्रोडक्ट लिए हैं वो आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ घर पे है नहीं क्योंकि अभी न्यू घर है तो यहाँ पे है नहीं। तो चले मुझे जल्दी जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि सामान सब आके नीचे देख सकते हैं जो भी हमने सामान ऑर्डर किए थे विजय सेल से तो सारा सामान हमारा डिलीवर हो चुका है। तो अभी आधा सामान कल आया था और आधा आज आया है और अभी गैस का बाटला वगैरह भी जो बुक किए थे वो भी अभी आ गया है। तो चले अभी पहले पूरा सामान उतारते हैं। सब आ रहे ना भाई, देख सकते हैं सारा सामान हमारा आ चुका है। अभी एक पानी का फिल्टर खाली बाकी है, बाकी सब टोटली सामान आ चुका है। तो गाइस फाइनली सारा सामान हमारा आ चुका है, खाली अभी बाकी है जो प्लेट लिए थे उन्होंने वो बाकी है। और आप लोग को यहाँ का जो व्यू बताती हूँ मैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितनी हवा चल रही है। अभी यहाँ मैं बिना पंखे के हूँ लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे ओढ़ने को देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह नीचे कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये पूरा खिड़की के बाहर का है, बहुत ही प्यारा है और सब रूम में से इतना ही खूबसूरत दिखता है। तो गाइस माशाल्लाह सारा सामान आ चुका है, मुमरा के जो न्यू विजय सेल्स खुला है वहाँ से हम लोग ने सामान लिए, नूरी हाइट के जो नीचे नया विजय सेल्स खुला है। तो बिल्कुल भी यानी कि हम लोग ने जो भी चीज़ सैमसंग की लिए थे और भी अलग अलग कंपनी के यानी सैमसंग लिए थे और अलग अलग कंपनी का लिए थे, लेकिन सब चीज़ उन्होंने क्या किए कैंसिल करके यानी हमारे ऑर्डर करने के बाद कैंसिल करके वॉशिंग मशीन भी उन्होंने अपनी ही दे दी है विजय सेल्स की। जो वॉशिंग मशीन हम लोग ने लिए थे सैमसंग की लिए थे और माइक्रोवेव जो था मैं आप लोग को बताती हूँ। हमारा न्यू घर माशाल्लाह यहाँ का लोकेशन वो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और टोटली फाइनली हमारा जो जो सामान हम लोग ऑर्डर किए थे सब आ चुका है। और जो जो सामान हम लोग ऑर्डर किए थे ये हम लोग ने वॉशिंग मशीन ऑर्डर किए थे सैमसंग की किए थे, लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारे ऑर्डर करने के बाद इन्होंने जब भेजे तो ये हमें भेजे हैं विजय सेल्स की, क्योंकि ये सब अपनी ही कंपनी का भेजे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ये बात पे से मुझे बिल्कुल भी विजय सेल्स नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जो हम लोग ने पसंद किए वो चीज़ यहाँ नहीं मिली हमें। हमें जो सैमसंग की पसंद करने के बाद हमें उनकी कंपनी की विजय सेल्स की ही मिली है, क्योंकि बार बार वो यही बोल रहे थे कि विजय सेल्स का ही लोग मिक्सर। तो ठीक है चलो मिक्सर हम लोग ने लिए थे फिलिप्स का, वो मिक्सर हम लोग को फिलिप्स का ही आया है और एक चूल्हा भी जो हम लोग ने लिए थे वही आया है। लेकिन जो माइक्रोवेव ओवन है ये भी हमारा सैमसंग का था, तो इसे इसको इन्होंने कैंसिल करके स्टॉक नहीं बता के वो हम लोग को दिए हायर का। और जो हम लोग का प्योर पाइप जो हमने पानी का फिल्टर लिए थे वो भी उन्होंने कुछ दूसरा लिए थे कंपनी का लिए थे, तो उन्होंने कैंसिल करके विजय सेल्स का दे दिए, तो उन्होंने पानी का प्योर जो कैंसिल कर दिए। तो चले बाकी सामान तो आ गया है, लेकिन मुझे विजय सेल्स की बिल्कुल भी सर्विस पसंद नहीं आई
और चले अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमारा नया घर। और यहाँ आ चुका है हमारा कलर की बाल्टी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो माशाल्लाह ये है हमारा न्यू घर, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है हमारा हॉल और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ का है, बहुत ही खूबसूरत। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि दरवाज़ा खिड़की सब अपने आप ही बंद हो जा रहा है। तो चले हम आपको दिखाते हैं, अभी पहले ये फाइनली ग्रीन में इसमें रखूँ, नहीं तो मैं ही बिल सही करके भूल जाऊँगी। यहाँ फाइनली मैंने ग्रीन रख चुकी हूँ। और ये है हमारा किचन, तो माशाल्लाह ये है किचन। किचन में दो टेबल है, पूरा टाइल्स वगैरह है। और ये है किचन की खिड़की और इसमें बालकनी है। और यहाँ का व्यू भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है, चले मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बेडरूम। और ये है हमारा बेडरूम, ये है हमारा बेडरूम। और यहाँ से भी हवा आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ इतनी ज़्यादा हवा आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ भी लग रहा है माशाल्लाह, आप लोग हवा ही देख सकते हैं यहाँ पे। कोई भी बिल्डिंग सामने नहीं है, पूरा खुला है, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चले अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम है। ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है। और यहाँ का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा यहाँ से भी पहाड़ वगैरह दिखता है। और ये है बाथरूम जो मास्टर बेडरूम में बाथरूम है, ये इंग्लिश टॉयलेट वाला बाथरूम। और यहाँ से है एक बालकनी दिख रही है जहाँ पे मशीन वगैरह वॉशिंग मशीन रखने की जगह है, देख सकते हैं। यहाँ हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन दिए हैं। और ये है जो इंडियन टॉयलेट, ये भी बहुत खूबसूरत है अंदर से। और यहाँ पे भी 24 घंटा पानी है। और ये है बाथरूम, ये देख सकते हैं बाथरूम है, यहाँ पे शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे भी इतनी बड़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है वॉशिंग मशीन रखने के लिए, यहाँ पे प्लग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। और इंशाल्लाह अभी मैं ये घर को पूरा रेडी करूँगी और जब फर्नीचर डालेंगे, किचन सेट करेंगे, कलर मारेंगे, तो फाइनली मैं आप लोग को सेकंड पार्ट जो बताऊँगी। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें और हमारा न्यू घर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएँ। तो चले आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।